ये रोज पपीते जी को भी अभी आना था। अब तू लागे तो हम दोनों फंस जाएंगे। अरे भाई तुम खुद भी मत डरो और मुझे भी मत डरा, कुछ नहीं होगा। ए अय्यर, वो मुझे सुबह के लिए ब्रेड लेना है। हाँ तो ले लो। हाँ अब्दुल भाई, अब्दुल भाई, अब्दुल, अब्दुल भाई, लगता है अब्दुल भाई नहीं है। हम लोग थोड़ी देर इंतजार कर लेते हैं उनके लिए। किधर गए? कहीं गए होंगे। कविता, मेरे को लगता है अब्दुल को आने में लेट होगा। तुम एक काम करो, ब्रेड ले लो, मैं उसको फोन पे बता देगा कि हमने ब्रेड लिया और उसको पैसे भी दे देगा। अब तो जम के पार्टी शादी होगी। बिल्कुल, बल्ले बल्ले बल्ले, ओशावा शावा शावा, बल्ले बल्ले बल्ले, ओशावा शावा शावा। एक काम करता हूँ, जेठाबरा को फोन करके बता देता हूँ। जेठाबरा, जेठाबरा, जेठाबरा। वाह वाह, ये अच्छा है। खाओ बचाओ, खाओ बचाओ। अरे ये छोटी वापस क्यों फोन कर रहा है? अभी तक निकला नहीं। आज बहुत फोन आ रहे हैं जी क्या? अरे जेठालाल फोन बंद करो भाई और खाना खाओ ना। हाँ। नहीं ये दूसरी पार्टी का फोन है बापू जी, फोन उठाना पड़ेगा, सॉरी। बोलिए बोलिए झुंझुन वाला जी। कमाल कर देता है जेठा ब्रा, पहले मल्होत्रा साहब बना दिया, अभी झुंझुन वाला बना दिया। बोलिए बोलिए, कुछ अर्जेंट था क्या? कि मैं जरा खाना खाने बैठा हूँ। ना ना, कोई अर्जेंट काम नहीं था जी, मैंने बस ये बताने के लिए फोन किया कि मैं और पप्पू बाहर पहुँच गए। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। हाँ जेठा ब्रा, बहुत खुशखबर है। ओ, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मस्त आप माधवी बहनी के बने हाथ का खाना खाओ। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। ओके ओके जेठा ब्रा, बाय बाय, थैंक यू। क्या खुशखबरी है जेठा? और झुनझुन वाला साहब ने पहले 10 टीवी का ऑर्डर दिया था, अभी बोल रहे 25 टीवी चाहिए। अरे वाह वाह जेठा भाई, अभिनंदन अभिनंदन। थैंक यू माधवी भाभी, कांग्रेचुलेशंस जेठा भाई। थैंक यू। लाभला आप लोग। हाँ, मेरा प्लान काम कर गया। छोटी और पोपटलाल पार्टी शार्टी करने के लिए गोकुल धाम से निकल गए, अब सब कुछ सेट है। अरे आगे आगे, रिक्शा आगे, रिक्शा रिक्शा रिक्शा, रुको, अरे रुको रुको, रिक्शा। ये कार जा रहा होगा। एक काम करता हूँ पप्पू, मैं अपनी जीप लेके आता हूँ। नहीं नहीं नहीं, छोड़ी भाई जीप नहीं, भूल गया, तू बीमार है, घर पे लेटा हुआ और मैं तेरे साथ हूँ। तेरी जीप का यहाँ पार्किंग में रहना जरूरी है, जाना तो हमें रिक्शा से ही पड़ेगा। करेक्ट है यार, काम कर, जब तक कोई और रिक्शा नहीं आती तब तक तू अपने दोस्त को फोन करके बता तो दे कि हम लोग यहाँ से निकल गए। हाँ करेक्ट है, बोल देता हूँ। ओ तेरी, फोन तो स्विच ऑफ हो गया यार। कोई नहीं, अगर नंबर जुबानी याद है तो मेरे फोन से कर ले। तो जुबानी तो मेरे को सिर्फ मेरी रोशन डालिंग और गोगी पुत्र का नंबर ही याद है यार। हाँ तो रोशन भाभी को फोन करके बता देते कि ऐसे निकल गए। 2.5 किलो का हाथ खाना है? नहीं नहीं नहीं, पार्टी शार्टी करनी है। वैसे भी मैंने घर से फोन कर दिया था ना जीते को, और देखना जीते और बल्लू अपने यार छोटी के लिए एक कार में खड़े होकर इंतजार कर रहे होंगे। अरे आगे आगे रिक्शा, आगे रुको 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 रुको, रिक्शा रुको रुको भाई, रुको 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 रुको, जल्दी कर, पार्टी शादी में गला सूख रहा है भाई। हां चलो भाई, चलो 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 चलो, आनंद लेना भाई, आनंद नगर चलो। ओ छोटी बल्लू जीते और अपनी यारी जीते, ओए थे ओए थे ओए थे थे थे, ओ छोटी हमारे हैं, वो आज तो रोशन सिंह सोटी के साथ पार्टी शार्टी करके ही रहेंगे, वो उसे घर से उठा लेंगे, वो हमें उल्लू बना रहा, हमें।
कभी कोई बोलता है कि कल 8:30 बजे आएगा और कभी कोई कहता है पेट में दर्द है। हम उल्लू नहीं बनने वाले, छोटी के घर जाके सीधा उठा के गड्डी में डाल देंगे। छोटी बल्लू जीते ओ अपनी यारी किते ओ इते ओ इते ओ ते 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 अल्लाह जी जीते पहुंच गए रोशन सिंह सोडी की सोसाइटी में ओ गोकुल धाम। ओ जीते ओ ए है गोकुल धाम सोसाइटी जहां अपना यार सोडी रहता है। पर सोडी का फ्लैट कौन सा है? वो सामने वाले विंग में रहता है इतना मुझे पता है, पर फ्लैट नंबर ना मैं भूल गया। मैं अभी फोन करके पूछता हूँ, रुक जा। नहीं नहीं फोन मत करना, वो फोन करेगा तो सोडी कोई और बहाना बना लेगा और सीधा जाते हल्ला बोल देंगे। करेक्ट है जी पाजी। अरे ओ सत्य अकाल जी, सत्य अकाल। आप सोडी भाई की गेस्ट है? हाँ, आपको कैसे पता? वो आप लोग भी सरदार जी, हमारे सोडी भाई भी सरदार जी, तो ऐसे ही बोल दिया अंदाजे से। वो बात क्या है ना कि हम बहुत सालों के बाद इस सोसाइटी में आए हैं और रोशन सिंह सोडी के घर का नंबर नहीं पता जी। अच्छा, वो सामने वाले विंग देख रहे हो? हाँ जी। और वो फर्स्ट फ्लोर पे जो वो गैलरी है ना, बीच में हाँ, हाँ, हाँ। वहीं पे हमारे सोडी भाई रहते हैं। फ्लैट नंबर 105। ओ थैंक यू सत श्री अकाल जी। ओ चल जीते। ओ ये ओ सोडी दरवाजा खोल। ओ सोडी, ओ तेरे यार आए हैं बल्लू जीते। सोडी दरवाजा खोल सोडी। ओ कमाल है, वो दरवाजा ही नहीं खोल रहा, घर पर है भी या नहीं? वो घर पर ही होगा, नाटक कर रहे हैं। वो तू फोन कर और बोल हम बाहर खड़े हैं। हाँ हाँ अभी कर दो। आपके द्वारा डायल किया हुआ नंबर आपके पास है। क्या हुआ? वो सोडी का फोन स्विच ऑफ है। वो ऐसे कैसे हो सकता है? अच्छा, वो मैंने लगता है सोडी जानबूझ के दरवाजा और फोन दोनों बंद करके बैठा है ताकि हम उससे कॉन्टेक्ट ना कर सके। गेम खेल रहा सोडी हमारे साथ। ओ खेलने दे, जितनी गेम खेलना चाहे खेलने दे, पर हम भी उसके सच्चे यार हैं। हाँ, उसको लिए बिना यहाँ से आज हम जाएंगे नहीं। हाँ लेके ही जाएंगे। अरे हाँ, सोडी ने कहा था कि वो अपने पड़ोसी के घर खाना खाने जाने वाला है, तो शायद वो वहीं होगा। और अगर वो वहां हुआ ना तो हम उसे उठा कर ले जाएंगे। आया वहां से माधवी भाभी, सच में खाने में मजा आ गया। मटर पनीर, खिचड़ी कढ़ी, राजमा चावल, जितनी तारीफ करे उतनी कम है। हाँ, क्या बात है, हाथी भाई का सर्टिफिकेट मिल गया, मतलब माधवी खाना वाकई में अप्रतिम बना था। Excuse me. हाँ जी बोलिए जी, हम रोशन सिंह सोडी के दोस्त हैं। ये क्या कर रहे हैं? जेठालाल आराम से। अरे वो सोडी का घर बाजू में। हाँ जी हम गए थे पर उसका दरवाजा भी बंद है और फोन भी बंद है। अच्छा हाँ, वो सो रहा होगा। लेकिन पोपट भी तो है वहाँ पे, वो दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा? पोपट? वो सोडी ने पोपट भी पाल के रखा हुआ है। ऐसा पोपट जो दरवाजा भी खोलता है? अभी नहीं 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 नहीं, पोपट मतलब पोपटलाल, वो हमारे पड़ोसी है, वो उसके साथ ही है। मुझे लगता है चाचा जी वो भी थक गया होगा ना, तो वो भी सो गया होगा। वो मतलब सोडी घर पर ही है? हाँ तो वो घर पे ही है। और फिर दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है? वो एक्चुअली बीमार है सोडी आज, ये डॉक्टर आती है, उन्होंने उसको इंजेक्शन दिया है, तो अभी वो सो रहा होगा। क्या वो हमारे घर पे खाना खाने आने वाला था? हाँ। उसका पसंदीदा खाना बनाया था, मटर पनीर, राजमा चावल।
लेकिन देखिए ना, वो नहीं आ पाया, उसको पेट दर्द हो रहा है ना, इसलिए। वो दर्द और तो कुछ नहीं हो रहा है, वो नाटक कर रहा है जी, नाटक। सॉरी सॉरी कमल भाभी, और पता नहीं पानी पीना गया था और खांसी आ जाती है। इट्स ओके। ये क्या बोल रहा है? नाटक कर रहा है मतलब? नहीं नहीं, वो नाटक मतलब मैं समझ गया बापूजी, वो आप वो 8:30 बजे वाले हैं ना? हाँ जी, आपको पता है? हाँ मुझे सब पता है। ये क्या, तू जानता है इनको? नहीं मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन सोठी ने मुझे इनके बारे में बताया बापूजी। अभी थोड़ी देर पहले आपने ही फोन किया था ना? हाँ हाँ, मैंने फोन किया था। हाँ तो मैंने ही आपसे बात की थी, सोठी ने बताया मुझे। आई आई आई। अरे आप अंदर कहाँ जा रहे हैं? आइए बाहर आइए। नहीं एक मिनट जेठालाल। हाँ आइए बोल के उनको बाहर कहाँ लेके जा रहे हो? सोठी के पास लेके जा रहे हो? नहीं वो, एक मिनट आप इधर आइए, आप इधर। कुछ है ऐसी एक बात जो अभी उनके सामने मैं सबको नहीं बता पाऊंगा, मैं जरा बाहर लेके जाता हूँ उनको, फिर आके सब बताता हूँ। आइए बाहर आइए, आइए आइए आपके पास। अच्छा छोटी के पार्टी शार्टी वाले दोस्त ही हो ना? हाँ जी। अरे भाई तो आप अंदर नाटक क्या कर रहे थे भाई? आप लोग शांति से पार्टी शार्टी कर सको इसलिए हमने कितने पापड़ बेले हैं। वो आप लोगों ने हमारी पार्टी शार्टी के चखने के लिए पापड़ बेले? अरे भाई मैंने कहावत बोली, दरअसल क्या हुआ, अभी आप घर पे आए थे ना तो भिड़े ने छोटी को आज 8:30 बजे खाने पे बुलाया था, और आप लोगों ने पार्टी शार्टी का प्रोग्राम बनाया, तो बेचारा सोढ़ी एकदम कंफ्यूज हो गया कि अभी क्या करे, यहाँ खाना खाने आए कि आप लोगों के साथ पार्टी शार्टी करे। फिर मैंने उसको आइडिया दिया कि देख तू एक काम कर, पेट दर्द का बहाना बना और बीड़े को बोल दे कि भाई पेट में दर्द है, मैं खाना खाने नहीं आ सकता। तो ऐसे करके पूरा सब सेट किया। थैंक यू पाजी, तुसी तो बहुत इंटेलिजेंट हो। हाँ वो थोड़ा है मुझ में, व्यापारी हूँ ना तो क्या व्यापारी लोगों का दिमाग चलता है ना। तो अभी क्या है, सोसाइटी वालों के लिए सोढ़ी अंदर आराम कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। फिर कैसा है? अरे कैसा है क्या, वो गया है पार्टी शार्टी करने। वो तेरी, हम उसके यहाँ आने के लिए निकले और वो हमारे घर के लिए निकल गया। हाँ तो अभी जाओ आप लोग फटाफट निकलो, कहीं ऐसा ना हो कि वो वहाँ पहुंचे और आप लोगों को ना पाके वापस यहाँ आ जाए। हाँ जाओ जल्दी जाओ, मैं उसको फोन करके बोल देता हूँ। पर पाजी उसका तो फोन बंद है। नहीं उसके साथ हमारा एक दोस्त पोपटलाल की बात कर रहे थे ना, तो पोपटलाल भी साथ में गया है, उसके फोन पे मैं फोन कर दूंगा। ठीक है अभी जाओ जल्दी आप लोग निकलो, किसी ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है थैंक यू। छोटी के दोस्त यहाँ आ गए। अरे रुको 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 रुको, तो अब अभी कुछ नहीं, मैंने मामला संभाल लिया, उनको यहाँ से रवाना कर दिया है। तो सुनो अगर आप लोग पहले पहुंच जाओ तो जरा राह देखना, वापस निकल मत जाना, वो लोग बस पहुंच ही रहे। ठीक है? थैंक यू जनाब, थैंक यू। हाँ ठीक है मजा करना। ठीक है ओके। चलो आज अभी कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो चलो भैया चलो चलो चलो। वो दास्ते से ही क्यों? अरे वो तेरे दोस्त गोकुलधाम सोसाइटी पहुंच गए थे की? हाँ, लेकिन जेठा ने मामला संभाल लिया है। अरे जेठा भैया तो ग्रेट है यार। ऐसा तो कौन सा काम होगा जेठा का, कुछ इतना टाइम लग गया? पता नहीं अब जेठे आए तो कुछ समझ में आए। अच्छा गए वो लोग? हाँ गए गए। क्या काम क्या था उनको सोढ़ी से? पैसों का मामला था कुछ। पैसों का मामला? सोढ़ी को इनको 50,000 कुछ देने हैं तो इसके लिए आए थे। तो फिर वो ऐसा क्यों बोल रहे थे कि सोढ़ी नाटक कर रहे हैं? हाँ वो इसलिए कि
उनको ऐसा लगा कि सोडी को पैसा नहीं देना है, इसलिए सोडी नाटक कर रहा है। लेकिन मैंने उनको फिर समझाया कि नहीं नहीं, नाटक नहीं कर रहा, उसको सच में पेट में दर्द हो रहा है और डॉक्टर साहब ने उसको इंजेक्शन भी दिया, इसलिए अभी वो आराम कर रहा है। इसलिए अभी आप जाइए, मैं कल सुबह खुद सोडी की बात आपसे फोन पे कराऊंगा। तो फिर वो गए। हमारे सोडी ने पैसों के बारे में मुझे तो नहीं बताया। भाई पैसों का मामला पर्सनल बात है तो सबको तो नहीं बताएगा ना। तो तुम्हें क्यों बताई? मुझे तो बतानी पड़ी। मैं वो अंदर जब हाथी बस को तपास रहे थे ना, तो मैंने उनको बोला कि अभी जीते का फोन आया था, तभी उसने मुझे सब बताया। और फिर उसने मुझे बोला कि अभी दोबारा फोन आया जीते का, तो बोलना कि कल 8:30 बजे में मिल के सारा हिसाब किताब क्लियर कर दूंगा, है ना? तो बोला था ना छोटी ने? हाँ बोला था। इसलिए तो देखना, मैं जब बाहर आया तेरे सामने तो मैंने बात की जीते से, तू भी तो सुन रहा था वहां पे। नहीं मैंने बोला उसको कि सोडी कल 8:30 बजे आके मिलेगा। कल 8:30 बजे ना जेठालाल, तो वो अभी क्यों आए थे? फोन में उनको बोला था ना कि सोडी के पेट में दर्द, हम लोग डॉक्टर के पास लेके आए, तो वही उनको लग रहा था कि ये झूठ बोल रहा है, नाटक चल रहा है सब। वो चेकिंग करने के लिए आए थे कि सच में वो बीमार है कि नहीं। अच्छा अच्छा, तो और एक बात, ये जो खाए तुम्हें जेठा भाई जो उलट तपस नहीं कहता है बगा ना माधवी भाभी खाए तो थोड़ा थोड़ा है ना थोड़ा, अपन तुमसे वार्ता करू यार। अरे क्या खाना बनाया था माधवी भाभी आपने। ओ प्रीतम। अरे अब प्रीतम नहीं, आहो असू दे ना। काय असू दे, वेलांटी इथून तिथे शिफ्ट करायचे फक्त। अप्रतिम, प्रीतम काय? अरे पण माझी वेलांटीला शिफ्ट नाही व्हायचं आहे, जिथे आहे तिथे ते सुखी आहे, खुश आहे, तर राहू दे ना भाई, तुम्हाला काय प्रॉब्लेम आहे? जेठ भाई मला कळलं। थँक्यू थँक्यू, बघितलं कळलं सगळं। लेकिन सच में माधवी भाभी क्या खाना बनाया था आपने, जबरदस्त जोरदार खाना बनाया था, मजा आ गया। थैंक यू अच्छा आप लोग खाना हो गया है सब समझना, स्वीट डिश बाकी है, स्पेशल खीर जो अंजलि भाभी देकर गई है। अरे वाह वाह, तो जल्दी खीर लेकर आई है। अरे हाँ खीर तो बाकी है अभी। बापू जी, बापू जी को बहुत पसंद है खीर, लाइए लाइए। अरे वाह वाह। हाँ अभी मैं लेकर आती हूँ। नहीं नहीं आप बैठिए ना, मैं लेकर आती हूँ। बसा बसा आराम। अरे वाह, सब कुछ बेस्ट हो गया, खाना भी बेस्ट और नाटक भी बेस्ट। वाह वाह जेठालाल वाह, आज तो तूने सोडी के पेट दर्द के नाटक को क्या संभाला है, सारे पड़ाव पार किसी को कुछ पता नहीं चला कि मेहता साहब भी ना खाम का डरा रहे थे। क्या सोच रहे हैं? क्या सोच रहे? मैं वो मेहता साहब के बारे में सोच रहा था बाबूजी। मेहता साहब को भी खीर के लिए बुला ले तो। अरे हाँ, मेहता साहब और अंजलि भाभी दोनों को बुला लेते, वेरी गुड। तो फिर बबीता जी और अय्यर उनको भी बुला लेते हैं ना। बहुत ये भी आइडिया बहुत अच्छा है भिड़े, बबीता जी और अय्यर भाई वो दोनों को भी बुला लेते। एक्सक्यूज मी, बबीता और अय्यर भाई फिल्म देखने गए? अच्छा, हाँ तो फोन करके पूछ लेते हैं ना, शायद आ गए होंगे दोनों। हाँ तो ठीक है, मैं अय्यर को फोन लगाता हूँ, जेठालाल तुम मेहता साहब को बुला लो। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, मैं आया बाबूजी जरा फोन कर। हाँ यार बालकनी, अरे यहीं से बात कर ले, यहाँ पे बाबूजी सिंगल बराबर नहीं आता है। अरे वो झुनझुन वाले से तो बात की थी तुमने? हाँ लेकिन तभी भी वो आवाज क्लियर नहीं आ रही थी बापू जी, एकदम टुटू टुटू होके आवाज आ रही थी। एक दो मिनट लगेगा, अभी आया मैं फोन करके। मैं माधवी को बोल देता हूँ इन चारों के लिए भी खीर लेके आए। तो आखिरकार सोढ़ी और पोपटलाल की पार्टी शार्टी की नैया पार है और अब भिड़े के घर मनने वाला खीर का त्योहार है। मेरे परम मित्र जेठालाल ने सोढ़ी की पार्टी शार्टी के लिए जो पेट दर्द के नाटक का बहाना दिया, जो आइडिया सुझाया, वो अब तक सुपर हिट है। और क्यों ना हो भाई, मेरे परम मित्र ने बड़ा पसीना बहाया है, बड़ा परिश्रम किया है, कितने व्यवधान आए, कितने विघ्न आए, लेकिन तमाम व्यवधान पार करके, तमाम पड़ाव पार करके अंततः आइडिया सफल हो गया और सोढ़ी और पोपटलाल पार्टी शार्टी करने के लिए चले गए हैं। और अब यहाँ इस आइडिया के हिट होने की खुशी में
मेरे मित्र जेठालाल मुझे खीर खाने के लिए बुलाने वाले हैं। लेकिन मित्रों, आप भी मेरे दोस्त को जानते हैं, जेठालाल ने कोई आइडिया दिया और उसके क्लाइमेक्स में कोई नाटक या धमाका न हो तो ऐसा तो हो नहीं सकता। अब नाटक के क्लाइमेक्स में नाटक, बात बड़ी कमाल की है, क्योंकि इस संसार को रचने वाला जो है ना, उसने जो लिखा है उसमें कभी कुछ बदलता नहीं है। तो इस संसार को रचने वाले ने, जिसने सारी दुनिया का ये नाटक रचा है, वो इस नाटक में नया नाटक क्या चाहता है या इस क्लाइमेक्स में क्या हंगामे और धमाके चाहता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तो अब क्या होता है इस कहानी में, आगे इस क्लाइमेक्स में कितने हंगामे होते हैं, कितने ठाके, खुद ही देख लीजिएगा। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.